आज सक्सेसफुल होना सब चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। थोड़ी सी दिक्कत आई कि लोग हथियार डाल देते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा। लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिक्कतों से भागना नहीं आता है इनको, ये लड़ते हैं, वादे पर टिके रहते हैं। और बात करने वाले हूँ अमूल के बारे में, अमूल की अनटोल्ड स्टोरी, उन समस्या के बारे में बात करूंगा जिसके कारण अमूल ने लोगों का ट्रस्ट जीता और एक इंडिया का बिगेस्ट ब्रांड बन गया। तो समस्या को हथियार बनाइए, और ये वीडियो आप सबके लिए एक मोटिवेशन की आग होगी। चाहे छोटा स्टार्टअप करना चाहते हो, अपनी कंपनी करना चाहते हो, तो कैसे मिल्क इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाए जो वर्ल्ड में पहली बार था, उसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप एक एक्टिव स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत सारी अपडेट आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फाइनेंशियल लर्निंग के लिए, जो कि आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा कमी है, मनी एंड यू हमारी बुक को पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बच्चे भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, सबको एक किताब में समेटने की कोशिश की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर नाउ। तो कहानी शुरू होती है 1942 की। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम है खेरा। वहां मिल्क प्रोडक्शन में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। यह भ्रष्टाचार 3 साल तक चलता रहा, और 1945 आते आते किसान इससे ऊब चुके थे। अब भ्रष्टाचार कैसा था, कौन कर रहा था, वो समझने के लिए आपको इसका सप्लाई चेन समझना पड़ेगा। मिल्क सप्लाई चेन कंपोनेंट थे मिल्क प्रोड्यूसर, एजेंट या डीलर और कस्टमर। ये एजेंट या डीलर क्या करते थे, रेंडमली कुछ भी प्राइस डिसाइड कर देते, यानी आज जो उनके मन में आया वो भाव होता था मिल्क का। अब किसान बेचारे उसी पर आश्रित, वही रोजी रोटी, और ये मिडिलमैन इनकी रोजी रोटी को कुचल रहे थे रोज। गवर्नमेंट ने मोनोपोली राइट दिया था पॉल्सन नाम की डेयरी को, वो खेरा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर से मिल्क कलेक्ट करते और बम्बई सप्लाई करते। बॉम्बे को उस टाइम महानगर बनाया जा रहा था क्योंकि वहां समंदर था और इंडिया उस टाइम ब्रिटिशर द्वारा क्लोनाइज था, सो उनको वहां से ट्रेड करना इजी था। सो सरकार के इस डिसीजन से पॉल्सन डेयरी को मोनोपोली राइट मिला। फार्मर का गुस्सा भड़क गया जो 3 साल के अंदर दबा हुआ था। वो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए इस समस्या को लेकर। उन्होंने ये सलाह दिया कि समस्या अगर मिडिलमैन का है तो मिडिलमैन को ही हटाओ, यानी अपने मिल्क की मार्केटिंग खुद के कॉरपोरेटिव सोसाइटी से करो और डायरेक्टली मिल्क बंबई सप्लाई करो, पॉल्सन पर क्यों डिपेंड रहना। अब आप सोच रहे होंगे ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे, खुद मुंबई में मिल्क सप्लाई कर सकते थे, लेकिन मुंबई 400 से ज़्यादा किलोमीटर दूर था। वहाँ तक मिल्क सही सलामत पहुँचाने के लिए दूध को पॉस्चराइज करना पड़ता था ताकि दूध खराब ना हो, लेकिन किसान मिल्क को पॉस्चराइज कैसे करेंगे। इसलिए पॉल्सन डेयरी के एजेंट किसान से मिल्क मनमाने भाव पर खरीद रहे थे, किसान की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। इसलिए अब जरूरत थी स्वदेशी मिल्क डेयरी बनाने की जो मनमानी ना करे। इसलिए सरदार जी ने किसानों के सामने एक शर्त रखी। सरदार जी ने कहा सारे किसान मिलकर सरकार से डिमांड करें कि वो लोग खुद का कॉर्पोरेटिव में मिल्क बेचेंगे, पॉल्सन को नहीं। अगर सरकार कॉर्पोरेटिव ओपन करने में हेल्प नहीं करेगी तो किसान मिल्क नहीं देंगे पॉल्सन को, और इससे कुछ दिन का लॉस होगा किसान को, बट हमेशा की प्रॉब्लम से मुक्ति। अब किसान इस लॉस को सहने के लिए तैयार है, तब सरदार जी लीड करेंगे, नहीं तो नहीं। किसान रेडी हो गए इस लॉस को सहने के लिए। फिर सरदार जी ने मोरारजी देसाई को भेजा इस समस्या का समाधान करने के लिए, और एक मीटिंग में यह कंक्लूजन रखा गया कि हर गांव में कॉरपोरेटिव बनेगा और सरकार को वहीं से मिल्क लेना होगा, और अगर सरकार ऐसा करती है तब ठीक, नहीं तो दूध सप्लाई नहीं होगा बॉम्बे का। सरकार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, किसानों ने मिल्क स्ट्राइक शुरू कर दिया। 15 दिन तक बॉम्बे में खेरा डिस्ट्रिक्ट से एक बूंद नहीं पहुंचा दूध का। बॉम्बे मिल्क स्कीम कॉलेप्स हो गई। अब सरकार क्या करेगी, इज्जत पर बात आ गई थी। सरकार कोई स्कीम निकाले वो कैसे फेल हो सकती है। तब एक गोरा बंबई से आया खेरा, उसने सिचुएशन को देखा, समझा, फिर सरकार ने किसानों का प्रस्ताव किया स्वीकार। उसके बाद 1946 में खेरा डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई, और इसकी पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वो है। तो वहां पर एक सही लीडर मिल जाने से कितना काम होता है, और अगर आप गौर देखो तो मेरे को गूजबम्स आ गए स्टोरी आपको बताने में, तो आप समझ सकते हो कि कितनी रियल होती है ऐसी कहानी जो आदमी के अंदर एक भावना क्रिएट करती है।
इसके बाद 1948 में मिल्क पॉस्चराइजिंग का काम शुरू हो गया था, जिससे मिल्क लंबे टाइम तक खराब ना हो और इजिली मुंबई में सप्लाई किया जा सके। 1946 में जब प्लांट की शुरुआत हुई तब सिर्फ 2 गांव के फार्मर जुड़े थे। इस सोसाइटी द्वारा सिर्फ 250 लीटर मिल्क पर डे ही प्रोड्यूस हो पा रहा था, क्योंकि शायद उनको वो वैल्यू नहीं मिल पा रही थी जो चाहिए थी। तब कॉर्पोरेटिव के फाउंडर डॉक्टर कुरियन, जो कि यूएसए से पढ़े हुए थे, पैसे से इंजीनियर थे, अपने को फाउंडर एचएम डालिया के साथ मिलकर एक विजन बनाया, वैल्यू फॉर मेनी एंड वैल्यू फॉर मनी। मेनी का मतलब फार्मर्स और वैल्यू फॉर मनी मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक ट्रू लीडर वही होता है जिसका विजन बहुत तगड़ा हो। उनको फार्मर्स को भी प्रॉफिट देना था और साथ में कस्टमर को, और इस विजन के चलते 1948 तक लगभग 432 फार्मर इसके साथ जुड़ गए और लगभग 5000 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन होने लगा। अब कहानी खत्म, प्रॉब्लम खत्म, खुद का फार्म बन गया, मिल्क प्रोड्यूस होने लग गया, बिकने लग गया। जी नहीं, कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, राइट? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। असली दिक्कत आई 1953 में, ज्यादा दूध प्रोड्यूस होने लगा लेकिन उनका कंजप्शन नहीं था, क्योंकि विंटर में मिल्क जल्दी खराब नहीं होता था, सो कंजप्शन रेट कम था प्रोडक्शन से, और फार्म की स्थापना ही हुई थी बॉम्बे मिल्क सप्लाई करने को। सो अकेले बॉम्बे मिल्क स्कीम उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा था मिल्क, सो अब किसानों को मजबूरी में फिर से मिडिलमैन को सेल करना शुरू करना पड़ा औने पौने दाम पर। अब ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी कि मिल्क से मिल्क का प्रोडक्ट बन सके और वो खराब भी ना हो, जैसे बटर, मिल्क पाउडर, राइट? तो उस टाइम अपना भारत आजाद हो चुका था अंग्रेजी हुकूमत, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लॉजिक को एक्सेप्ट किया और यूनिसेफ से फाइनेंशियल हेल्प मांगी और न्यूजीलैंड से असिस्टेंस, ताकि इस टेक्निक को भारत लाया जा सके। फिर 50 लाख रुपए की फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है, और क्या हुआ, मिल्क पाउडर, बटर बनाया जा सके। और इस तरीके से 1955 तक भारत में मिल्क प्रोसेस करने की टेक्निक आई, मिल्क इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन हुआ और भैंस के मिल्क का प्रोसेसिंग टेक्निक पूरे वर्ल्ड के लिए न्यू टेक्निक था। फिर खेरा मिल्क यूनियन ने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड किया और नाम दिया अमूल, जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और अमूल संस्कृत वर्ड अमूल्य से इंस्पायर्ड था। उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बनाया, जिसको आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट आपके सामने है। और इतने सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के दम पर आज ये 55,000 करोड़ का रेवेन्यू पार कर पा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये शुरुआत है सेल टर्नओवर की 1994-95 में 11,140 मिलियन से, और अब कहानी आपके सामने है। तो इस फिगर को ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा। तो आखिर इतने बड़े एम्पायर का राज क्या है? देखिए, 3 वजह है। पहला, इफिशियंट सप्लाई चेन ऑफ अमूल। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में सप्लाई चेन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अमूल इस पर बहुत स्ट्रांग है। अमूल 3-tier कॉरपोरेटिव स्ट्रक्चर पर काम करती है, और इस चेन में क्या होता है, पहले विलेज में कॉरपोरेटिव से मिल्क कलेक्ट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोसेस किया जाता है, और स्टेट लेवल पर मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ पेरेंट ब्रांड। अमूल कभी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, पेरेंट ब्रांड यानी अमूल को प्रोडक्ट करता है, जिससे अमूल के सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग एक साथ हो जाती है, और इससे क्या होता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम, जिससे अमूल अपने प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस में सेल करता है। और फिर है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अमूल दूध पीता है इंडिया, हम बचपन से टेलीविजन पर सुनते आए हैं और देखते आए हैं, और ये एक ऐसा है जो कैरेक्टर इंसान कभी भूला ही नहीं, हमारे बच्चों को भी पता है, यानी टैगलाइन से बनती है कहानी कि पूरा भारत अमूल दूध पीता है तो आप क्यों नहीं। और अपने दमदार एड से हर घर में पहुंच गया अमूल। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, और अमूल ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, भरोसा जीता है लोगों का, ठीक है? तो आपने पूरी कहानी सुन ली, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है अमूल के इतना बड़ा एम्पायर बनाने की, जरा सोचिए, कमेंट में बताइए। यहाँ पे जो मेरे लिए लर्निंग है वो ये है कि अमूल ने समस्या को हथियार बनाया सक्सेसफुल होने के लिए। ये हर इंसान के लाइफ में होना ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।